ए भैया आज हम कांग्रेसे के खाली आए हैं, ये लोग ऐसा है ना नरभसा जाता है, सत्ता में आते ना पूरा अलबलाए लगता है, का करे का नहीं करे। आज तक संगठन के विस्तार नहीं किया, डॉक्टर अजय को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए और उस समय जो उनके समय जो ग्रह गोचर था उसका शांति के लिए कोई बरियार पंडित को यहाँ बुलाया जाए। आखिर ये लोग सत्ता में आके काहे ऐसा हो जाता। सुनिए ना, ये जो बोल रहा है कई नेता लोग, नाम नहीं लेंगे आप लोग, उसको पीटिएगा, काहे कि आप लोग शरीर से भी मजबूत हैं और एथी से भी। हाँ वो लोग कह रहे हैं ना कि ये लोग कब्जा कर लिया। कौन लोग? त्रिमूर्ति और दो तीन नाम है। ये लोग कब्जा करके अपना खाली नाम लिखे हुए पिछले 10 साल से 20 साल से कोई संगठन विस्तार नहीं। काहे प्रदेश अध्यक्ष के घरे जाता है ये लोग, खाली चाय पीता है, नहीं चाहता है संगठन का विस्तार। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो कहाँ हुआ? आप एक प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब लेंगे तभी। हाँ, तो फिर दूसरा प्रश्न आगे। कोरोना काल में संगठन के विस्तार संभव नहीं थे, सब लोग जो है वो कांग्रेस, हमारा कोई रीजनल पार्टी तो नहीं है कि यहाँ बैठ के तय कर लिए। हाईकमान बेस पार्टी है, हाईकमान के पास में लिस्ट फाइनल होते हैं। अभी पूरा देश जो है कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है, तो अभी लोगों की सेवा है कि अभी संगठन बनाना है। अगर संगठन करने संगठन में कौन सा यथी खरा, बीजेपी आपके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पूरा जिला स्तर तक संगठन बांट दिया, आपका प्रदेश स्तर का संगठन डॉक्टर अजय के टाइम से फसल है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा। बीजेपी संगठन को इस तरह से सेलिब्रेट कर रही है जैसे उन्होंने कोई जंग जीत लिया हो। अभी ये काम संगठन में डमरू बजा करके खुशी जाहिर करने का है। आप लोग के मन में लालच है, आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ दूसरे का नाम प्लेट लगे। एक साल मतलब जोत रहे हैं तो जोत रहे हैं संगठन। पांडे जी, बीजेपी इस कोरोना काल में 5 सितारा कार्यालय का उद्घाटन, संगठन का है ना, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। हाँ। आप बीजेपी से कहा के भेजता है आपको। हाँ। सुनिए, ये जो 5 सितारा होटल नुमा कार्यालय का उद्घाटन कोरोना काल में कौन किया? बीजेपी हर जिला में, हर जिला में किया। ये वक्त है कार्यालय बनाने का? आप बताइए किस चीज का वक्त है? अभी मानवता की सेवा करने का वक्त, हम वो काम कर रहे हैं। हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है कि प्रदेश में कौन महासचिव बनेगा, कौन उपाध्यक्ष। अरे तो हम तो कहे थे ना कि आइसोलेशन सेंटर बनाए सरकार, बीजेपी को आपत्ति नहीं है। हर जिला में इतना बढ़िया बढ़िया आइसोलेशन सेंटर खोल के दिया कोरोना काल में उद्घाटन कर। हम तो जिस समय बनाए थे उसी समय हम लोगों ने कहा कि बीजेपी गुमराह कर रहे हैं, ये आदमी में यही दिक्कत है। बीजेपी के कार्यालय में कहेंगे कि बीजेपी इस तरीके का सवाल कीजिएगा, कुछ जवाब देगा कुछ, लेकिन बीजेपी का पूरा गुण इनमें आ गया है। कुछ दिन में हो सकता है बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा लोग कर रहे हैं। आप काहे ऐसा कर रहे हैं? संगठन में बहुत लोग हैं, बहुत बच्चा लोग है, कह रहे हैं। आपने क्या प्रश्न किया, बीजेपी में ज्वाइन करेंगे? हाँ देखिए, ये आप बीजेपी के प्रभाव से प्रभावित होकर यहाँ नहीं, आप में गुण देख रहे हैं। हमारा जन्म हुआ पार्टी में, हमारा बाप दादा परदादा छरदादा का पार्टी है ये। वैचारिक रूप से हम लोग जो है, ठीक है, जो लोग बीजेपी में गए हैं उनको बोलते हैं कि बीजेपी कांग्रेस में ले आइए, है, और जो कांग्रेसी है उसको बोलते हैं बीजेपी में चल जाएगा। आप आज कांग्रेस का झंडा लाओ जी, पांडे जी का पट्टा लगाओ, कांग्रेसी बना के भेजो यहाँ से, जबरदस्त कांग्रेसी का पट्टा कल मारे ये बीजेपी वाला, कांग्रेस का पट्टा लगाओ, पट्टा लाओ कांग्रेस का। अरे सुनिए, इसने संगठन चल रहा है, इनके दादा परदादा सब कांग्रेस के विचारधारा से। अच्छा सुनिए, आप लोग पे गंभीर आरोप है, सीरियस सवाल है मेरा, कह रहा है ये लोग मीडिया में चमकता है, 3-4 गो आदमी पूरा पार्टी को हाईजेक कर लिया है। रामेश्वर और राम जी इतना सीधा व्यक्ति, उस संगठन का विस्तार करते पर ये लोग कभी नहीं किया, ये लोग के लापरवाही और कन्फ्यूसिया के चलते। देखिए, पार्टी की आइडियोलॉजी होती है और पार्टी चलती है सिद्धांत से। हाँ। और राज्य की जो प्रमुख चीज है, हाँ, यहाँ के लोगों की सुरक्षा, यहाँ के संगठन का हम पूछ रहे हैं, फिर राज्य का संगठन, संगठन, हाँ, यहाँ की आवाज को बरकरार रखना और सरकार तक पहुँचाकर उस आवाज को उनके हक को दिलाना, ये कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी। आप ही कहे कीजिएगा, राजेश ठाकुर कहे मीडिया के बयान देंगे, आलोक दुबे कहे देंगे, छोटू जी कहे देंगे, ई कहे देंगे, और भी तो संगठन में लोग हैं, नहीं तो कांग्रेस हाथ उठा के कह दे सूरज के सामने मेरे पास और आदमी नहीं है इसीलिए संगठन का विस्तार नहीं कर। बाबा एक बात है कि फिर तो आप हम ही लोग से बाइट लेने क्यों आते हैं? अरे आप हैं संगठन में। हाँ, तो दूसरे जगह जो आपसे मिल रहे हैं उनसे भी बाइट ले।
जबरदस्ती आपको आदमी नहीं मिल रहा है तो पत्रकारे को बनाइएगा मेंबर। आपको बना दिया सदस्य कांग्रेस मेरी बात सुनिए, आप वैसे जो हमारे साथी हैं जो आपको मिले हैं उनका भी बाइट चलाइए, आप उनको भी नेता बनाइए। कैसे प्रवक्ता ही है ना, उसका कैसे बाइट ले सकते हैं? आप 20 साल से बेचारा कांग्रेस का झंडा डोर है। मीडिया समाज का दर्पण होती है और दर्पण में एक आम आदमी की भी आवाज उतनी महत्वपूर्ण रहती है जितना एक देखिए निष्पक्ष आदमी से पूछ लेते हैं। पहले क्रिया खाइए मेरे साथ, हम जो बोलेंगे वो क्रिया खाइएगा। बोला जाए, बोलिए, हम हाथ उठा के बोलिए। माने हाँ, आपको रिपीट करना है। हमको तोता बोलेंगे, बोलिए। माने तोता बनना है। हाँ, तोता बनना है, सीबीआई टाइप का। ऐसे मत कीजिए। तो अच्छा, इस पे हाथ रख के कसम खाइए झंडा पे कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे। पार्टी हित में, देश हित में जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग संगठन विस्तार नहीं होने दे रहे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर अजय के साइन से नहीं हुआ संगठन विस्तार? आप कहिए कि आलोक दुबे, किशोर सहदेव, राजेश गुप्ता छोटू संगठन विस्तार नहीं होने दे रहे, तो ऐसी बात नहीं है, ये अध्यक्ष जी का कार्य है। अध्यक्ष जी के कान में कनफुसुआ टाइप का ही लोग बात करते रहता है कि नहीं विस्तार करने का जरूरत है। पूरे प्रदेश में अभी सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष हैं और सबसे अनुभवी अध्यक्ष हैं। हाँ, किसी के कहने पे वो नहीं कुछ करने वाले हैं। राजा भी कनफुसुए से चलता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। लोग देखिए, साबित हो गया कि इस पे हाथ रख के भी कांग्रेस के झंडा पे इस सार्वजनिक रूप से झूठ बोल सकते हैं आदमी। सुनिए, लीजिए, बधाई हो, आप लोग पूरा कैप्चर कर लीजिए, समझे ना। यही आरोप लगा रहा है जो 20 साल से एनएसयूआई का लड़का झंडा डो रहा है और पार्टी के लिए जो काम कर रहा है। एगो आपको हम बता रहे हैं, बरांडा समिति बन रहा है यहाँ। नहीं नहीं, संगठन में सबको जगह मिलेगा। कहाँ मिला? कई साल से बाइट दे रहे हैं, बुढ़ाने चले। कोविड के वजह से कोविड हर चीज में कोविड। अब इस चीज को संगठन विस्तार यहाँ कर देना था। कहाँ आप ऐसा करते हैं? देखिए, फरवरी में सदस्यता अभियान नए सिरे से प्रारंभ हुआ, सभी प्रमंडल में सदस्य बनाए जाने की शुभारंभ हुई और मार्च में लॉकडाउन हो गया। उसके बाद कई कमिटियां बनी, उसमें 100 से ज्यादा लोगों को मौका दिया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अरे बस सुने, संगठन विस्तार कहने हुआ, सब लोग काम किया। संगठन का विस्तार का मतलब सिर्फ महासचिव और उपाध्यक्ष बनना और प्रवक्ता बनना नहीं होता। संगठन ने एक एक आदमी को काम दिया। और कोविड के समय सारे हमारे सम्मानित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर लोगों की मदद करते रहे। ठीक है, तो अभी आगे भी नहीं होगा संगठन विस्तार जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगा। नहीं, वैक्सीन निकलने का नहीं, संगठन का विस्तार बहुत जल्द होगा। कब होगा? ये तो 3-4 महीना से हम सुन रहे हैं रे भाई, जल्द होगा, जल्द। देखिए, हमारे यहाँ टाइम तो लगता है, इसलिए लगता है कि हर कोई के सहमति से लोगों को जगह दी जाती है और उसके पूरा कार्य क्षमता को देख के उसके अनुरूप। ठीक है, अब हम बता देते हैं संगठन का ई जो कह रहे हैं कि विस्तार हुआ था, आपको दिखा नहीं कैसा विस्तार हुआ था। सुबह में कहा गया कि मिट्टी कोड़ दो एगो आदमी को, दोपहर में कहा गया दूसरे को ये मिट्टी बिक दो वहां से दूसरे जगह, और शाम को तीसरा आदमी को कहा गया वो मिट्टी ला के फिर से वापस भर दो। यही था संगठन विस्तार कोविड में, कि कौन गाड़ी देखेगा, कौन चावल देखेगा, ईंटा देख। रामेश्वर जी, आपसे हाथ जोड़ के हमारा विनती है, इकन फुसुआ के चक्कर में मत रहिए आप, समझे कि नहीं। बड़ी आपका एथी हो रहा है कि डॉक्टर राजेश जो बीमारी लेके गए वो अभी तक कायम है, समझे कि नहीं। देख लिए ना, संगठन विस्तार नहीं हो, चुप रहने के लिए पानी पिलाया जा रहा है, यही है भ्रष्टाचार। बाय बाय। followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in